चीन की सामाजिक कार्यकर्ता जेनिफर जेंग का सनसनीखेज ट्वीट। 22 सितंबर को जिनपिंग के अरेस्ट होने की अफवाह उड़ी थी। जिनपिंग के पीएलए चीफ के पद से हटाए जाने की भी थी अफवाह। बीजिंग के पास आर्मी व्हीकल का मूवमेंट देखा गया था। जेनिफर जेंग ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें बीजिंग के पास एक आर्मी व्हीकल का मूवमेंट दिखा था और इस बात को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन में क्या ऑल इज नॉट वेल, चीन में क्या जिनपिंग सरकार को बहुत बड़ी चुनौती मिली है, क्योंकि जेनिफर जेंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, चीन में मानवाधिकारों के हनन को लेकर अक्सर आवाज उठाती रहती हैं। शिंजो आबे के असैसिनेशन को भी उन्होंने चीन से जोड़ा था और कहा था कि इसमें चीन का हाथ हो सकता है, पीएलए का हाथ हो सकता है। अब वो कह रही हैं कि क्या 22 सितंबर को जिनपिंग अरेस्ट हो गए, बहुत बड़ी खबर। शी जिनपिंग का अक्टूबर में दोबारा वहां पीएलए का चुनाव, वहां कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव होना है, अक्टूबर में उनका चुना जाना तय माना जा रहा था। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उससे ठीक पहले ये खबर आ रही है कि जिनपिंग के खिलाफ वहां पर कोई बड़ा विद्रोह हुआ है, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। 22 सितंबर को जिनपिंग के अरेस्ट होने की अफवाह उड़ी थी, ये उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा पीएलए चीफ के पद से हटाए जाने की भी अफवाह थी। सीधे मनीष झा के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या जानकारी है? ये दुनिया भर को हिला देने वाली खबर होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। क्या अभी तक आपके सोच कह रहे हैं? देखिए गौरव, दरअसल बीते 24 घंटे में दुनिया भर की सोशल मीडिया में लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है और सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि 21 सितंबर और 22 सितंबर को लगातार बीजिंग से जितनी भी उड़ानें हैं वो अचानक सैकड़ों की संख्या में उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया और बीजिंग की तरफ ट्रुप्स मूवमेंट हुए और ट्रुप्स इतने बड़े तादाद में थे कि 80 किलोमीटर तक सेना की गाड़ियों को आते हुए देखा गया, जो सब बीजिंग के पास एक मिलिट्री एयरपोर्ट के पास आकर जी इसका पिक। मनीष, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से दोहराएंगे, आप क्या कह रहे हैं? सत्ता चली गई है, मतलब ये कि पीएलए की तरफ, पीएलए का जो अभी वो चीफ है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो वो अध्यक्ष हैं, उनके पद से उनको हटाने की चर्चा बहुत जोर पर है और ये कहा जा रहा है कि इस समय शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि कल और परसों दो दिन कुछ अहम बैठकें हुई जिसमें शी जिनपिंग नदारा दिखे और उनकी जगह पे मनीष, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका क्या असर होगा उस दौर में जब चीन एक बहुत अहम प्लेयर है नए वर्ल्ड ऑर्डर में, रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका के साथ लगातार वो अमेरिका के खिलाफ और रूस के साथ खड़ा दिख रहा है, अक्टूबर में चुनाव होना था, उससे पहले जिनपिंग को लेकर इस तरह की अफवाहें या इस तरह की खबरें, इनका क्या असर होता देखते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए वैसे तो देखा जाए तो जिस तरह से चीन का संविधान बदल दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान बदल दिए गए हैं, तो शी जिनपिंग की सत्ता को अभी कोई चुनौती दे पाने की स्थिति में है, ऊपरी नजर में तो ये नहीं दिखता है। लेकिन फिर ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसको देखकर लग रहा है कि पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। अक्टूबर में चुनाव से ठीक पहले इस तरह की चीजें होना, क्योंकि अभी तक मान लीजिए कि अगर ऐसी बातें अफवाह हैं, लेकिन चीन की तरफ से इस बात को लेकर अब तक कोई सफाई नहीं दी गई कि आखिरकार क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर 5-6 चेंज करना पड़ा और क्यों। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त देखने को मिल रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल, वैसे भी चीन में देखिए मीडिया सरकार कंट्रोल में, सरकार के कंट्रोल में है, तो वहां से इस तरह की कोई खबर आए, इस पर मुहर लगे, इसका तो बहुत मुश्किल ये लगता है। लेकिन जो अलग अलग सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि चीन में ऑल इज नॉट वेल और जिनपिंग को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जेनिफर जेंग ने जिस तरह से एक वीडियो ट्वीट किया, ये कुछ बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि जेनिफर जेंग चीन को लेकर अक्सर आवाज उठाती रहती हैं। देखिए इस बारे में जो भी होगा आपको बताएंगे। TV9 भारतवर्ष पर चीन से बहुत बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर जिनपिंग को हटाए जाने की चर्चा थी, बीजिंग के पास 80 किलोमीटर के दायरे में आर्मी का मूवमेंट दिखा था, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर ये आर्मी बीजिंग के पास क्यों मूवमेंट क्यों दिखा और अभी अपने एक जनरल को जिस तरह से अपनी पार्टी की, या कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी की रक्षा परिषद में जिस तरह से एक बहुत बड़ा पद दिया यहां पर जिनपिंग ने, उसके बाद इस तरह की खबरें, आखिर जिनपिंग की पार्टी में क्या जिनपिंग को पसंद नहीं किया जा रहा, क्या जिनपिंग को वहां पर हटाना चाहते लोग, ये कई सारे सवाल हैं।
PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।